2015 का ये भी बड़ा अच्छा साल है, व्हेन वी मेजर द न्यूक्लियर मासेस एंड कंपेयर देम विद द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एसेस ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेंथ देन द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट की डेफिनेशन। डैश आर वेरी हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हाई इनर्जी ट्रांजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियाई। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन है गैमा रेस। ये सारी डेफिनेशन हैं बच्चों, ठीक है। फिर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर, विच इज डैश ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर है 273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये बड़ा धांसू न्यूमेरिकल है, 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है फोर्स, ठीक है। एंगल 30 और 60 डिग्री बना रही है, तो उससे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं। वेल देखो यार, फार्मूला इसका होता है F1 square + F2 square + 2F1 F2 cos theta। F1 F2 की जगह हम 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर पुट करेंगे, 2 × 10 × 20, और 30 और 60 का डिफरेंस यानी cos 30, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ये वाला ऑप्शन है, 29 न्यूटन। और ये मेरी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वेक्टर की, उसमें भी मौजूद है, ये हमने उसमें भी कराया था सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ क्लास में सारे ऑलमोस्ट वही।